أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome students In today's class we are going to focus on teeth found in different vertebrates Teeth reflect the nature of the diet Previous lecture में भी हमने बात की थी कि oral cavity और बाकी के कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइन और स्टमक उससे हमें उस ऑर्गेनिज्म का पता चलता है कि ये क्या खाता है कैसे खाता है और उसको डाइजेस्ट कैसे करता है सो टीथ उनमें से एक है इट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द डाइट अच्छा मेजॉरिटी वर्टेब्रेट ग्रुप्स में टीथ मौजूद है विद द एक्सेप्शन ऑफ बर्ड्स टर्टल्स एंड बलीन व्हेल्स ठीक है इनमें टीथ एब्सेंट है बाकी तकरीबन सारे वर्टिब्रेट्स में टीथ मौजूद है ठीक है अब बर्ड्स में क्यों टीथ एब्सेंट है ठीक है बर्ड्स लैक टीथ प्रोबेबली टू रिड्यूस वेट फॉर फ्लाइट ठीक है जो मॉडर्न बर्ड्स है हाँ इनके एंसेस्टर्स में टीथ हुआ करते थे इनके एंसेस्टर्स में टीथ मौजूद थे ठीक है अब जो मॉडर्न बर्ड्स है दे हैव कर्व्ड बीक्स and a hearty digestive tract जिसकी जो help करता है that help them grind and process food ठीक है तो वो जो teeth का काम है ठीक है वो usually कौन करता है इनके लिए इनका जो digestive tract है इनमें gizzard भी मौजूद है वो mechanical digestion इसके लिए कर लेता है अच्छा previous slide में हमने बात की कि कुछ birds और baleen whales इनमें टीथ एब्सेंट है तो बलीन वेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बलीन वेल जो है इनमें बलीन होता है अब बलीन क्या है ठीक है इसको हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे सो बलीन वेल्स हैव बलीन इंस्टेड ऑफ टीथ और इस बलीन के जरिए दे यूज टू कलेक्ट श्रिम्प लाइक क्रिल प्लैंकटन एंड स्मॉल फिश फ्रॉम द सी वो इस बलीन को यूज करते हैं आपको इस फिगर में बलीन नजर आ रहा है to collect shrimp like krill plankton and small fish from the sea ठीक है अब ये जो baleen है these bristly baleen plates they filter sift sieve or trap the whale's favorite prey from sea water inside their mouth ठीक है ये इनका काम है baleen का काम है अब baleen क्या है baleen is made out of keratin वही protein है जिससे ये फिंगर नेल्स और हेयर बने ठीक है फिंगर नेल और हेयर में जो प्रोटीन है केराटिन उससे ये बलीन भी बना है ठीक है सो बलीन वेल्स में बलीन होता है फॉर एग्जांपल ये बलीन का साइज इसमें हम इस आखिरी पॉइंट में ये बता रहे हैं कि द बलीन ऑफ द बोहेड वेल कैन बी 4 meters लॉन्ग बलीन वेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास 14 स्पीशीज है बलीन वेल के जिसमें आपके पास वो ब्लू बोहेड बलीन राइट हम्पबैक मिंक और ग्रे वेल सारे शामिल हैं ठीक है ये जो बलीन वेल्स होते हैं दे आर जनरली लार्जर देन द टूथ वेल एक्सेप्ट फ्रॉम फॉर द स्पर्म वेल जो कि साइज में बहुत ही बिग और उसके टीथ होते हैं ठीक है बलीन के बारे में एक और पॉइंट भी है शायद आप लोगों ने सुना होगा कि दे माइग्रेट एनुअली ठीक है ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज बिटवीन कोल्ड वाटर फीडिंग एरियाज एंड वार्म वाटर ब्रीडिंग एरियाज अच्छा टीथ जो है दे आर स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर एन एनिमल फीड्स ऑन प्लांट जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की कि ये डाइट के बारे में बताता है ठीक है तो डिपेंडिंग ऑन वेदर एन एनिमल फीड्स ऑन प्लांट्स क्या वो हर्बीवोर है कार्निवोर है ठीक है एनिमल पे फीड करता है फ्लैश पे फीड करता है या दोनों पे फीड करता है ओमनीवोर है ठीक है और ये फूड कैसे लेता है इसी वजह से टीथ जो है दे आर स्पेशलाइज्ड अच्छा रेप्टाइल्स में जो टीथ होते हैं इनके टीथ आर यूनिफॉर्मली कॉनिकल इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं होमोडोंट ठीक है आपको इस फिगर में ये नजर आ रहे हैं ठीक है यूनिफॉर्मली कॉनिकल है इस कंडीशन को हम होमोडोंट कंडीशन कहते हैं इन रेप्टाइल्स अदर देन आर्कोसोरस
Teeth are acrodont and attached along the top or inside of the jaw. आपको इस फिगर में थ्री टाइप्स ऑफ टीथ नजर आ रहे हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट. थीकोडोंट डेंटिशन में आप देखें तो टीथ आर सेट इन सॉकेट्स इन द जॉ बोन, और इस किस्म के टीथ जो है दे आर फाउंड इन ऑल मैमल्स एंड अ फ्यू नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स जैसे कि क्रोकोडिलियंस और कुछ फॉसिल रेप्टाइल्स और बर्ड्स में. एक्रोडोंट डेंटिशन में क्या होता है कि एक्रोडोंट डेंटिशन में टीथ दे आइदर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जॉ बोन, ठीक है, ये यूजुअली एक्रोडोंट में होता है. और इस किस्म के जो टीथ है ये कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं, एक्रोडोंट. एक्रोडोंट डेंटिशन जो है ये फिश में, एम्फीबियंस और कुछ रिप्टाइल्स में एक्रोडोंट डेंटिशन है. एक्रोडोंट डेंटिशन में क्या होता है कि टीथ जो है दे रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द जॉ बोन. थर्ड वन जो हमारे पास है वो है प्लूरोडोंट डेंटिशन. प्लूरोडोंट डेंटिशन में टीथ जो है दे आर अटैच्ड टू द जॉ ऑन इट्स रिम एंड इनर वॉल, ठीक है. अच्छा, ये तो डेंटिशन की बात हो गई. रिप्टाइल्स में जो है इनमें टीथ जो है दे आर एक्रोडोंट. अगर हम स्नेक्स के टीथ की बात करें सो आप देखें दे आर स्लोप बैकवर्ड पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ है, किस लिए, टू होल्ड प्रे एज इट इज वर्क टूवर्ड द एसोफेगस, ठीक है. सो ये जो बैकवर्ड टीथ है दे एड इन द रिटेंशन ऑफ प्रे व्हाइल स्वॉलोइंग. मैमल्स में टीथ जो है दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. तो फिर चूंकि सारे टीथ एक जैसे नहीं है तो इनको हम कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन. प्रीवियस स्लाइड में जो हमने रिप्टाइल्स में बात की तो वहां पे होमोडोंट डेंटिशन थी, सारे टीथ जो थे वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे थे. यहाँ पे हेट्रोडोंट डेंटिशन है, यहाँ पे टीथ जो है दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. इस कंडीशन को हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं, ठीक है. ये जो आपको इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर नजर आ रहे हैं, ठीक है. सो एडल्ट मेल्स में दे हैव अप टू फोर काइंड्स ऑफ टीथ, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. इंसिजर जो है दे आर द मोस्ट इंटीरियर टीथ इन द जॉ, ठीक है. और इंसिजर जो होते हैं दे आर यूजुअली चिजल लाइक, और ये किस लिए यूज करते हैं, नाइंग और निपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंसिजर. अब केनाइन जो है आपको जैसे नजर आ रहा है दे आर लॉन्ग, स्टाउट एंड कॉनिकल, और ये किस लिए यूज करते हैं, दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर कैचिंग, किलिंग एंड टियरिंग प्रे, ठीक है. आप इन दोनों को देखें, इंसिजर्स और केनाइन्स को, दे हैव सिंगल रूट्स. अच्छा, प्रीमोलर की बात करते हैं तो प्रीमोलर्स आर पोजीशन नेक्स्ट टू द केनाइन्स, जैसे कि इस फिगर में है, ठीक है, नेक्स्ट टू द केनाइन्स. और इनके रूट्स जो है, बाकी ये जो इंसिजर्स और केनाइन की हमने बात की कि वहां पे सिंगल रूट है, यहां वन और टू रूट्स हो सकते हैं, ठीक है. और उनका जो सरफेस है आप देखें, इट इज ट्रंकेटेड. ट्रंकेटेड सरफेसेस है, किस लिए, फॉर चीविंग. मोलर्स की बात करते हैं, मोलर टीथ जो है दे हैव ब्रॉड चीविंग सरफेसेस, और यूजुअली दे हैव टू और थ्री रूट्स. अगर अपर मोलर्स है तो उसके टू रूट्स होते हैं, और लोअर मोलर के थ्री रूट्स होते हैं. मैमेलियन टीथ की हम बात कर रहे थे. सो मैमल्स में दे हैव टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. एक को हम कहते हैं वो टीथ जो कि इमर्ज करते हैं बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, उनको हम डिसिजुअस और मिल्क टीथ कहते हैं. आप लोग कहेंगे कि ये तो 6 महीने बाद निकलते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, डिसिजुअस और मिल्क टीथ. और ये टीथ जो है, दीज टीथ आर देन लॉस्ट एंड परमानेंट टीथ इनको रिप्लेस करता है. आपको इन फिगर्स में प्राइमरी और परमानेंट टीथ नजर आ रहे हैं, ठीक है. ह्यूमन डेंटिशन जैसे हमने बात की, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट्स ऑफ प्राइमरी और एंड परमानेंट. आप टीथ को देखें, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू अपोजिंग आर्चेस. एक को हम कहते हैं मैक्सिलरी, ये जो अपर आर्च है इसको मैक्सिलरी कहते हैं, और ये जो लोअर है इसको मैंडिबुलर आर्च कहते हैं, ठीक है.
अब इन आर्चेस को दिस कैन बी डिवाइडेड डाउन द मिड लाइन, जिसको हम मिड सेजिटल प्लेन कहते हैं, इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ, ठीक है। और टीथ आपको पता है दे आर पोजिशन इन अल्वियोलर पॉकेट्स एंड कनेक्टेड टू द बोन बाय अ सस्पेंसरी पीरियोडोंटल लिगामेंट। ये इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे भी जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी टीथ जो है, प्राइमरी डेंटिशन आप देखें तो कितने टीथ है, इट इज कंपोज ऑफ 20 टीथ और हर एक आर्च में 10 टीथ है, ठीक है। देर आर 5 टीथ इन ईच क्वाड्रेंट कंपोज ऑफ 2 इंसिजर्स, जैसे कि आपको सेंट्रल एंड लेटरल नजर आ रहे हैं, ठीक है, अ केनाइन एंड 2 मोलर्स। ये मैं प्राइमरी डेंटिशन की बात कर रहा हूँ। इन डेंटिशन को फिर हम नाम देते हैं, दीज कौन कौन से, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि वो टीथ जो इमर्ज करते हैं बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ, ठीक है, उनको हम डिसिजुअस या मिल्क टीथ कहते हैं। एक्चुअली ये टीथ जो है दे बिगिन टू इरप्ट एट, मौजूद होते हैं लेकिन दे इरप्ट, ये इरप्शन जो है इट बिगिन एट 6 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है। अच्छा, परमानेंट डेंटिशन जो है आप सबको पता है कि इट इज कंपोज ऑफ 32 टीथ विद 16 इन ईच आर्च, ठीक है। यहाँ पे हर एक क्वाड्रेंट में हमारे पास 8 टीथ होते हैं इन ईच क्वाड्रेंट, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ, उसमें आपको नजर आ रहा है 2 इंसिजर्स है, सेंट्रल लेटरल, अ केनाइन, 2 प्री मोलर्स है एंड 3 मोलर्स है, ठीक है। एंड टीथ को, दीज टीथ आर रेफर्ड टू एज नंबर्स, 1 वो हम सेंट्रल इंसिजर को कहते हैं, 1 to 8, ठीक है, 8-1 जो एक्चुअली ये थर्ड मोलर या जिसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। अच्छा, परमानेंट टीथ कब इरप्ट होंगे, ठीक है, दे बिगिन टू इरप्ट एंड रिप्लेस द प्राइमरी टीथ यूजुअली एट 6 ईयर्स ऑफ एज, यूजुअली ये टाइम है ये कम ज्यादा हो सकता है। द परमानेंट टीथ कंप्लीट इरप्शन बाय अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एज 13 ईयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टीथ, अकल दाढ़ भी कहते हैं, जो कि विच यूजुअली इरप्ट बाय द एज ऑफ 21 ईयर्स। फिर भी कुछ लोग हैं जिनमें ये विजडम टीथ लेटर ऑन इरप्ट हो जाता है। हम मेमेलियन टीथ डिस्कस कर रहे हैं। सो मेमेलियन स्पीशी हैव कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एडल्ट टूथ, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की। अब जूलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे यूज अ डेंटल फॉर्मूला टू कैरेक्टराइज टैक्सा। अब डेंटल फॉर्मूला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन वन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि कौन कौन से टीथ है, ठीक है, इंसिजर्स है, केनाइन्स है, मोलर्स और प्री मोलर्स है। सो डेंटल फॉर्मूला क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन वन हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। आपको जैसे कि इन फिगर्स में नजर आ रहे हैं बीवर और ह्यूमन में, अगर हमने कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टीथ इस ऑर्गेनिज्म में कितने हैं, तो हमने क्या करना होगा, हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच रो विद 2, ठीक है। द टीथ ऑफ द अपर जॉ आर लिस्टेड अबव, ठीक है, जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं जैसे 1013, तो ये अपर जॉ के टीथ है, जैसे कि ह्यूमन में 2123, ये अपर जॉ के टीथ है। दोज ऑफ द लोअर जॉ, वो उनको हम क्या करते हैं, सेकंड लाइन में लिखते हैं, ठीक है, और कैसे लिखते हैं, ठीक है, इंसिजर्स, मतलब 2 इंसिजर्स, फॉर एग्जांपल केस ऑफ ह्यूमन 1 केनाइन, पोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो फिर आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन तो 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। अच्छा, मेमेलियन टीथ मे बी स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर डाइट, जैसे कि हमने इससे पहले स्लाइड में बात की कि इंसिजर्स हैं, केनाइन्स, मोलर्स और प्री मोलर्स हैं। कुछ मैमल्स में द डेंटिशन इज रिड्यूस्ड इस हद तक कि उनके दे हैव नो टीथ, ऐसा भी है, जैसे कि आर्मडिलोज और जायंट एंट ईटर्स में, जो कि इंसेक्टिवोरस है, जो कि टर्माइट्स और एंट्स पे फीड करते हैं, और उनके टीथ जो है दे आर रिड्यूस्ड। कुछ मैमल्स ऐसे भी है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, जो कि ओमनिवोरस है और दे फीड ऑन ए वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स, ठीक है। सो दे हैव एंटीरियर टीथ विद शार्प
ripping and piercing surfaces and posterior teeth with flattened grinding surfaces. जो anterior teeth है they are with sharp ripping and piercing surfaces और जो posterior teeth है with flattened grinding surfaces for rupturing plant cell wall. ठीक है. अच्छा mammals that eat plant material often have flat grinding posterior teeth and incisors. ठीक है. In case sometimes canines भी हो सकते हैं that are modified for nipping plant matter. For example horses, deer. ठीक है. और या कभी कभार ये modification जो है canines की that is for gnawing. For example rabbits or beavers में. आपको इन figures में क्या नजर आ रहा है. फिगर ए जो है इट शोज द डेंटिशन इन ए हर्बीवोर. ठीक है. ये मेल फैलो डियर में इस तरह से है. और जो फिगर बी है इसमें आपको एक रोडेंट एक बीवर जो है उसके डेंटिशन को दिखाया गया है. मैमल्स में खासकर हर्बीवोर्स में डेंटिशन पे हम लेटर ऑन एक स्लाइड पे भी में भी बात करेंगे. अच्छा रोडेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके जो इंसिजर्स है they grow throughout life. ठीक है. जैसे कि आपको इस फिगर में जो ये इंसिजर नजर आ रहे हैं although most mammals have enamel covering the entire tooth. ठीक है. enamel usually तो mammals में सारे टीथ को कवर करता है. rodents have enamel only on the front surface of their incisors. ठीक है. so the teeth are kept sharp by slower wear in front than in back. जो फ्रंट के टीथ है उनकी वियरिंग एज कंपेयर टू दोज दैट आर प्रेजेंट इन द बैक वो स्लोवर है. ठीक है. वियरिंग स्लोवर है इनमें. अच्छा डायस्टीमा के बारे में बात करते हैं कि ये एक गैप है जिसको हम डायस्टीमा कहते हैं. इट सेपरेट्स द एंटीरियर फूड प्रोक्यूरिंग टीथ फ्रॉम द पोस्टीरियर ग्राइंडिंग टीथ. डायस्टीमा किस वजह से बनता है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इलांगेशन ऑफ द स्नाउट. ठीक है. इलांगेशन ऑफ द स्नाउट दैट अलाउज द इंटीरियर टीथ टू रीच क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है. जितने आपके जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनको देखें क्लोज टू द ग्राउंड आर इनटू नैरो ओपनिंग्स टू प्रोक्यूर फूड. ठीक है. यहाँ पे अगर हम डायस्टीमा की बात करें सो ये एक वाइड गैप है जो कि क्या करता है ये जो टीथ है इनके रोज को सेपरेट करता है. ठीक है. रो कह लें या आर्च कह लें. ठीक है. प्लांट ईटिंग एनिमल्स में डायस्टीमा जो है ये क्या करता है. इट सेपरेट्स द बाइटिंग टीथ एट द फ्रंट ऑफ द जॉ. किन से सेपरेट करता है. फ्रॉम द चीविंग टीथ एट द रियर. जो आपके फ्रंट ऑफ द जॉ में मतलब ये जो प्लांट ईटिंग मैमल्स है ये बाइटिंग टीथ है. ठीक है. तो ये डायस्टीमा क्या करता है. It separates the biting teeth at the front of the jaw from the chewing teeth at the rear. अगर हम rodents में बात करें तो इनके जो cheek है they can be folded into the diastema. किस लिए. To shut off the back of the mouth while the animal is gnawing. अच्छा ये जो last one point है कि posterior teeth have a high exposed surface. इनका जो जिसको हम crown कहते हैं that is high or exposed होता है. और एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ विच अलाउज दीज टीथ टू विदस्टैंड इयर्स ऑफ ग्राइंडिंग टफ वेजिटेशन. ठीक है. वैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की कि ये जो टीथ है इनकी वियरिंग इज कंपेयर टू बैक टीथ स्लोवर है. तो ये पॉइंट यहां भी है. अच्छा किनाइन्स में क्या होता है. जो प्रेडेटरी मैमल्स है दे यूज किनाइन्स एंड इंसिजर्स. मैं असल में यहाँ पे किनाइन टीथ की बात कर नहीं कर रहा. मैं कैनेट्स की बात कर रहा हूँ कार्निवोर्स. ठीक है. सो प्रेडेटरी मैमल्स यूज किनाइन्स एंड इंसिजर्स फॉर कैचिंग किलिंग एंड टियरिंग प्रे. ठीक है. अगर हम ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें जिसमें डॉग्स और केट्स एक्सेट्रा बाकी के जो एनिमल्स है तो इनके जो अपर जो फोर्थ अपर प्रीमोलर्स है और फर्स्ट लोअर मोलर्स ये एक सीजर लाइक सरफेस बनाते हैं. एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कॉर्निजियल ऑपरेटिस कहते हैं. ठीक है. आपको इन फिगर्स में ये डिफरेंट एनिमल्स में कॉर्निजियल ऑपरेटिस नजर आ रहे हैं. जो फिगर ए है इसमें ये बियर में कॉर्निजियल टीथ है. बी में लिपर्ड में
ठीक है, और सी जो है ये डॉग में आपको कॉर्निजियल टीथ दिखाया गया है, और डी में बेजर में, बेजर जो कहते हैं ठीक है वो आपको दिखाए गए हैं, और ये जो दूसरे साइड पे है ये इनके क्लोज अप्स है, ठीक है। ए बी सी डी, डी तक ही है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं कार्निजियल अपरेटस की बात कर रहा था कि ऑर्डर कार्निवोरा के मेंबर्स में इनके जो फोर्थ अपर मोलर है और फर्स्ट लोअर मोलर, ये एक सीजर लाइक शेयरिंग सरफेस बनाते हैं, जिसको हम, आप इनको देखें जो सीजर लाइक शेयरिंग सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसको हम कार्निजियल अपरेटस कहते हैं। और कार्निजियल अपरेटस जैसे कि मैंने बात की, इट इज यूज फॉर कटिंग फिश फ्रॉम प्रे। अच्छा, हर्बीवोर्स वैसे तो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है, लेकिन यहाँ थोड़ा सी डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। हर्बीवोर्स सच एज डियर, दे हैव प्रीडोमिनेंटली ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है। द फ्रंट टूथ, यहाँ पे इस फिगर में जो आपको नजर आ रहा है ये एक बीवर है, तो इनके जो फ्रंट टूथ है दे आर यूज फॉर चिजलिंग ट्री। आप इस फिगर में देखें तो इसने काफी हद तक चिजलिंग की है इस ट्री की। अच्छा, अगर एलिफेंट्स में देखें, एंड द एलिफेंट हैज टू ऑफ इट्स अपर फ्रंट टीथ स्पेशलाइज्ड एज वेपन्स एंड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, इनको हम टस्क्स कहते हैं। तो आप टस्क देखें तो टस्क्स ये एलिफेंट्स किस लिए यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज करते हैं, फोरेजिंग फॉर बार्क, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि वेपन्स के तौर पर भी, मूविंग ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी। तो यहाँ पे ये ट्री से बार्क रिमूव कर रहे हैं, फोरेजिंग के लिए यूज करते हैं, फाइटिंग के लिए एज ए वेपन यूज कर रहा है, ठीक है, डिगिंग फॉर वाटर, ठीक है। तो इसके लिए ये अपने इन स्पेशलाइज्ड फ्रंट टीथ को यूज करता है, जिनको हम टस्क्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के टाइम पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।